नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। डॉक्टर सुरीता करीम होंगी गोरखपुर से उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी, कहा जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित होगी फतेह। लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के पांचवें दिन नहीं हुआ कोई नामांकन, 13 लोगों ने लिया पर्चा। पुलिस ने नकल माफियाओं के खिलाफ कसी नकेल, प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक गिरफ्तार। लोकसभा संसदीय उपचुनाव के लिए मतदान पार्टी के कार्मिकों का 24 से 27 फरवरी को दीक्षा भवन में होगा प्रशिक्षण। सिंगल विंडो सिस्टम के कार्य करना किया प्रारंभ, अब तक 3 प्रकार की अनुमति। चोरी के बाइक के साथ 4 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली को मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भाजपा ग्रामीण सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई संपन्न, उपचुनाव की सफलता पर बनाई गई रणनीति। चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ संपन्न। महात्मा गांधी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाओं द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। मतदान के दिन उपचुनाव में निर्वाचन कार्य में तैनात कार्मिक अपने बूथ या सन्निकट के बूथ पर कर सकेंगे मतदान। तीसरे दिन भी जारी रहा नालों की साफ सफाई का कार्य, आसपास के लोगों ने ली राहत की सांस। और बीएसएनएल ने लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी को 4 विकेट से और सीएजी की टीम ने लखनऊ को 9 विकेटों से पीटकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह की पक्की। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नजरिए से जहां सभी पार्टियां अपने पत्ते खोलने की स्थिति में ऊहापोह और असमंजस में है, वहीं शनिवार को कांग्रेस ने गोरखपुर से डॉक्टर सुरीता करीम को टिकट देकर उनकी दावेदारी पेश कर दी है। दिल्ली से टिकट मिलते ही गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया, जो स्वागत के रूप में गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंची डॉक्टर सुरीता करीम के रूप में नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में डॉक्टर सुरीता करीम को बधाई देने एयरपोर्ट पहुंचे और उनकी जीत के लिए जमकर नारेबाजियां की। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा, चुनाव के लिए लोकसभा सीट से क्या कहना चाहती है? मैडम चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग होगा ये चुनाव आपके लिए? बहुत खुशी हो रही है, सबका उत्साह देखिए, कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कितनी मैडम जीत सुनिश्चित लग रही है? भाजपा काफी सालों से यहाँ पे योगी जी लगातार सीट जीतते रहे, इस बार 100%। देखिए, एक महिला को इतना सम्मान मिला है, ये दिखाता है हमारी पार्टी महिलाओं के लिए कितना कोशिश कर रही है। हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और मेरा यही एम है कि गोरखपुर में एक मोहब्बत का पैगाम बहे, यहाँ से जो नफरत की राजनीति होती है ये वो खत्म हो। देखिए, अभी तो चुनाव, आज तो नामांकन करने मतलब करना है, अभी बाकी है, अभी तो टिकट मिला है, आगे की बातें आगे होंगी। अभी मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ, आप देख रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह देख के बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे तो जा रही हूँ मैं कि सारे पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी साथ देगा गोरखपुर की जनता? साथ देगी तो जरूर देगी। 2012 में आपने उधर हार ली, गोरखपुर की विकास की रफ्तार तेज हो, गोरखपुर में ईमानदारी से विकास हो, गोरखपुर की जनता को छला नहीं जाए। टिकट मिलना ही हम तो जीत मान रहे हैं, टिकट मिल जाने इस बात की उदाहरण, इस बात से ये कंफर्मेशन है कि हाईकमान को हम लोग के अंदर बहुत विश्वास था
उन्होंने इसी वजह से टिकट टिकट मिलने हमारी जीत के बराबर है। हार जीत तो लगती रहती है, तो खेल है, कभी कोई खेलता है। इंडिया ने देखिए साउथ अफ्रीका को कितनी पूरी तरह रोक दिया, 5-1 से हरा दिया, तो कौन जानता कब किसका, जबकि टेस्ट में हारे थे, लेकिन इसके बावजूद ये कोई नहीं जानता कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये डेफिनेट है, कार्यकर्ताओं द्वारा इतना सम्मान, हाईकमान द्वारा इतना सम्मान, ये इतना मिल जाने जीत हम लोग की जीत हो गई। मैडम एक गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया, जबकि 13 लोगों ने नॉमिनेशन के लिए पर्चा लिया है। इसके पहले शुक्रवार को एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया था। शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अनुमान था कि आज कई प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिला कर सकते हैं, लेकिन सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। किसी भी प्रत्याशी ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। सिर्फ 13 पर्चे ही बिक सके, जिनको लेकर अब तक 40 लोगों ने पर्चा लिया है। पर्चा लेने वाले लोगों में आशीष कुमार, अश्वनी कुमार, मृत्युंजय पांडे, जितेंद्र कुमार साहनी, नगीना प्रसाद साहनी, संतोष कुमार गुप्ता, रुद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर सुरेता करीम, अवधेश, विजय कुमार, ध्रुव कुमार शर्मा, अमरेंद्र पांडे, यश कुमार शामिल हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एआरओ गजेंद्र कुमार ने बताया। आज कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है और 13 लोगों द्वारा पर्चे लेकर 13 लोग यहां से पर्चे लेकर गए हैं, क्योंकि कल रविवार सार्वजनिक अवकाश है, तो कल नामांकन नहीं हो पाएगा। 19 और 20 तारीख मंडे और ट्यूसडे को नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। क्या समय है सर इसका? समय सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा। पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उरुआ थाना अंतर्गत नकल माफियाओं के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। भारत भूषण सिंह जो कि प्रधानाचार्य है श्रीमती राजकली सिंह इंटर कॉलेज उरुआ बाजार का, दूसरा शख्स केंद्र व्यवस्थापक है पंकज सिंह और तीसरा सुभाष सिंह है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन नकल माफियाओं के पास से इंटरमीडिएट परीक्षा की सादी उत्तर पुस्तिका जिनकी संख्या लगभग 600 है, प्रगति पत्र 2013 सत्र 2014 सत्र के साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंक पत्र भी प्राप्त हुए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ खजनी चारू निगम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। भैया प्रेस नोट लाओगे कि नहीं? शॉर्ट वाले कहाँ गए? आए थे क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत आता है उससे, इनके फोन में 6 सवाल जो है सॉल्व हुए थे, जिसकी इन्होंने फोटो खींच कर भेजे थे। इनको सवाल भेजे गए थे और उसके सॉल्व करने के बाद इन्होंने आगे वापस वर्क कर दिए। मैं शुरू करता हूँ। क्या कुछ आज दिनांक 17/2/2018 को वर्तमान में चल रहे जो परीक्षाएं हैं उसके विरुद्ध चलाए जा रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान है उसके क्रम में मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि उरवा में राजकीय देवी इंटर कॉलेज है जिसमें एक नकल माफिया है, गिरोह है, जिसके द्वारा काफ़ी षड्यंत्र के माध्यम से अलग अलग पेपरों को सॉल्व करके और अलग तरीके से चीटिंग कराई जा रही है। तो मुखबिर की सूचना पर जो एक सॉल्वर बताया जा रहा था कि एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर घर है, कैलाश नाम का जो अभियुक्त है जो अभी हाल में फरार है, उसके घर से एक पेपर सॉल्वर है जिसका नाम सुभाष है, वो पकड़े गए और उनके बताने पर बताया गया कि जो केंद्र के प्रबंधक हैं पवन, वो उनका घर भी बगल में ही था, तो इनके निर्देशन में वहाँ गए और उसको पकड़ा
और इसके बाद इन दोनों के बताने पर पूछताछ करने पर जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनके घर दबिश दी गई, तो प्रधानाचार्य के घर से काफ़ी मात्रा में बरामदगी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। 600 मार्कशीट जो कि प्राप्त होने के बाद सेंटर पर जानी चाहिए ये इनके घर से बरामद हुई हैं, और कई पास फेल की मार्कशीट्स जो हैं हाई स्कूल की भी और इंटर की भी इनके घर से बरामद की गई हैं, और कई इस तरीके के संदिग्ध पेपर हैं जिसमें कई बच्चों के नाम क्रमांक और डिटेल लिखी हुई हैं, जिससे काफ़ी स्पष्ट हो रहा है कि काफ़ी समय से ये लोग जो हैं इस तरीके की जो है गैंग में संलिप्त हैं। और इनके पूछताछ के अन्य 4 लोग बताए गए जिनके घर दबिश दी गई है, एक उसमें सॉल्वर हैं, बाकी इनके भरत भूषण के भाई हैं विश्वजीत सिंह, वो भी फरार चल रहे हैं, और फरार में एक कैलाश सिंह है जिसके यहाँ से इनको बरामद किया गया था, वो भी अभी फरार हो गए हैं। तो बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, 3 अभियुक्तों के साथ ये सब बरामद किया है। इनके पीछे काम करने के कई तरीके हैं, एक तो ये फर्जी मार्कशीट बनाते हैं क्योंकि कई सारी मार्कशीट हुई हैं जिनको इवेल्युएट कराना पड़ेगा कि जिन जिन बच्चों की ये मार्कशीट है पास्ड है फेल्ड है उसका क्या है, एक्चुअली पास हुए हैं फेल हुए हैं, क्योंकि कई सालों से 2005 से लेकर अभी तक की मार्कशीट जो अभी स्कैन की गई हैं वो प्राप्त हुई हैं। और एक मार्कशीट एक आंसर शीट प्राप्त हुई है जिसमें आगे पीछे कोई रोल नंबर नहीं है और वो सॉल्व पेपर है, अब वो इस साल का पेपर सॉल्व है कि पहले का सॉल्व है, एक ये अंदाज़ा लग रहा है कि बाहर से केवल लगा देते हैं ऊपर रोल नंबर और अंदर शीट जो है ये बदली कर देते हैं, एक तरीका ये हो सकता है जो कि बरामदगी हुई है उससे, बाकी आगे विवेचना का विषय है जो भी चीज़ सामने आएगी पता चलेगा। और दूसरा है कुछ बच्चे जो फेल होते हैं शायद उनकी फर्जी तरीके से मार्कशीट बनाई जाती है क्योंकि मोहर भी बरामद हुई है, और जो पेपर सॉल्वर है इसके फ़ोन से जो है 4 पेपर सॉल्वर के फ़ोन में 4-6 जो सवाल थे फिजिक्स के सॉल्व मिले हैं, इनको क्वेश्चन पेपर मिले थे, इनको जो जो सवाल आते थे इन्होंने सॉल्व करके उनको फोटो खींचकर वापस व्हाट्सएप किया है। किसके पास असला भी मिला है, असला जो है भरत भूषण जी के आवास से बरामद किया गया है। किस नाम से है? जांच में कुछ ये भी पता चला है कि और भी कोई विद्यालय इसके साथ जुड़े हैं या कोई और भी गैंग इन विद्यालय? अभी आगे विवेचना का विषय है, ये तो गैंग जो सूचना थी उसके आधार पे सब लोग से ये इतनी बरामदगी हुई है, आगे की विवेचना में निकल कर आएगा। 3 के साथ अभी फरार है, बाकी विवेचना में और जो निकल के आएंगे क्या, क्योंकि गिरोह है पूरा का पूरा एक गिरोह है जो काफी बड़े समय से इसमें संलिप्त है, जो बरामदगी है वो काफी ज्यादा है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के बच्चों के नाम है, और इससे जब तक आगे विवेचना नहीं की जा सकती पूरा नहीं। मैडम कौन से धाराएं इन पर लगाई, लेपा कौन है इन दोनों में? इसमें क्योंकि जिस सेंटर पर जो जहां से पेपर लीक हुआ है उसमें जो जिनकी ड्यूटी थी उन लेखपालों के नाम पैसे इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं, जब भी पेपर सॉल्वर था इसके पास से पैसे बरामद हुए हैं, पवन के पास से हुए हैं, और प्रधानाचार्य की जो जामा तला चली गई उनके पास से भी पैसे जमा। छात्रों से कितना पैसा है? चिट्स जो जिस तरीके से मिले हैं जिसमें कई कई बच्चों के नंबर है उसमें 10,000 से 15,000 इस तरीके से कई, जैसे कि आप देखते हैं सूदखोरी में लिखे रहते हैं इस तरीके से इसमें भी इस बच्चे से इतना कुछ कोडेड तरीके से लिखा हुआ है कि इतने जमा इतने बाकी, तो वो संभवतः पैसे का लेन देन है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, बाद में इसकी जांच की जाएगी। लोकसभा संसदीय उपचुनाव के मतदान के लिए पार्टियों के कार्मिकों का 24 से 27 फरवरी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 2 पालियों में प्रशिक्षण होना तय हुआ है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने ये जानकारी देते हुए अधिकारियों को इसकी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश देते हुए बताया कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 2,141 मतदेय स्थल हैं, मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा, इसके साथ ही प्रत्येक मतदेय स्थल पर VVPAT मशीन भी लगाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पार्टी में 5 कार्मिक तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी प्रथम भाग लेंगे, प्रशिक्षण में उन्हें पहले मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी, साथ ही एक हैंडआउट भी दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने 50-50 के ग्रुप में EVM और VVPAT के संचालन की जानकारी दी जाएगी, कमरे में मशीनें रहेंगी जिसे सील करके
और मतदान करके उन्हें सिखाना होगा। यहाँ ईवीएम के मास्टर ट्रेनर होंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्तर पर कार्मिकों को टेस्ट देना होगा तथा परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र भी लेना होगा। मतदान के दौरान कोई भी भूल करने पर कार्मिकों को तुरंत जिम्मेदार होना होगा। साथ ही मास्टर ट्रेनर की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्मिक असफल होंगे उन्हें दोबारा ट्रेनिंग लेनी होगी तथा परीक्षा पास करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया एवं ईवीएम वीवीपैट संचालन की ट्रेनिंग सभी जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट को भी लेना होगा ताकि मतदान में कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके और उसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी भी लगाई जाएगी जो मशीन के संचालन में सहयोग कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय कार्यालय और अधिकारी और कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है। इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। माइक्रो ऑब्जर्वर सीधे अपनी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग से तैनात ऑब्जर्वर को ही देंगे। उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदेय स्थल तक ले जाने के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मतदान से एक दिन पूर्व 10 की शाम को संबंधित ब्लॉक पर पहुंचा दिया जाएगा क्योंकि उन्हें प्रातः 6 बजे से मतदान केंद्र पर प्रक्रिया को देखकर रिपोर्ट देना है, इसलिए एक दिन पूर्व भी इन्हें क्षेत्र में भेजा जा रहा है। 11 मार्च को प्रातः 6 बजे से मॉक पोल होगा। साथ ही वीवीपैट मशीन को मॉक पोल के समय लगाया जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर मॉक पोल पूरा होने की रिपोर्ट देंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित ई डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और जनसभा जुलूस रैली की अनुमति दी जा रही है। अब तक 3 प्रकार की अनुमति दी गई है। शिकायत निवारण केंद्र में भी शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। अब तक प्राप्त 11 शिकायतों का निस्तारण किया गया है जो मतदाता बनने से संबंधित है। चोरी की 4 मोटरसाइकिलों के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार करके शाहपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। शाहपुर थाने में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि सीओ गोरखनाथ तथा प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में जेल रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कौवाबाग के तरफ से आ रहे 4 युवकों को रोक कर चेकिंग की गई तो चारों युवक के पास से चोरी की बाइक मिली। युवकों की पहचान चिलवाताल थाना अंतर्गत शास्त्री नगर चौराहा निवासी गोलू साहनी पुत्र जगनारायण साहनी, अजय सोनकर पुत्र मुरलीधर सोनकर, शाहपुर थाना क्षेत्र के कृष्णानगर प्राइवेट कॉलोनी निवासी संदीप मिश्रा पुत्र उमाकांत मिश्रा, राकेश गुप्ता, अनंत पाल गुप्ता के रूप में हुई है। एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। इंस्पेक्टर शाहपुर के नेतृत्व में शाहपुर की थाना पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और 4 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं उनके संदर्भ में पहले से ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 2 चिलवाताल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मूल रूप से 2 थाना शाहपुर के। इसके पहले भी चोरी की है सर? नहीं, इनका आपराधिक इतिहास इसके पहले ज्ञात नहीं हो सका, पूछताछ की जा रही है। कुछ बातें इनसे हुई कि गाड़ी चोरी की क्या करते थे, किसकी चोरी करते थे? ये स्मैक पीने के चक्कर में ये गाड़ी को बेच के फिर स्मैक खरीदते, स्मैक का सेवन करते। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा शनिवार को कॉलेज परिसर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर शरद चंद मिश्र, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जेके लाल, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर एके पांडे सहित कॉलेज के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। रैली कॉलेज के परिसर से निकलकर अम्बेडकर चौराहा, छात्र संघ चौराहा, विश्वविद्यालय हरिओम तिराहा, इंदिरा बाल विहार, कलेक्ट्रेट चौराहा, शास्त्री चौराहा होते हुए वापस कॉलेज के परिसर पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली के दौरान स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं ने बैनर और पोस्टर और स्लोगनों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह ने बताया।
धीमे धीमे चलो सर किधर जाएंगे किधर पहले चेतना तिराहे से हम लोग यहाँ पे सांसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन होना है, इसलिए मतदाता जागरूकता है तो ऐसे कि सब प्रतिशत मतदान लोग करें, उसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण सेक्टर प्रभारियों की बैठक शनिवार को बेतिहाता स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी की मजबूती और गोरखपुर में लोकसभा सीट में होने वाली उपचुनाव की तैयारी के साथ साथ ग्रामीण सेक्टरों को मजबूत करने पर रणनीति बनाई गई। बैठक में ग्रामीण सेक्टर प्रमुखों से अपने अपने सेक्टरों से संबंधित जानकारियां ली गई और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महानगर मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, रमेश गुप्ता, देवेश श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, जितेंद्र सैनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस विधानसभा क्षेत्र की बैठक में लखनऊ से चलकर हम सब के बीच आए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय अनूप गुप्ता जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। मैं मंचा सिंह सभी पदाधिकारी गण का स्वागत करते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूं। बंधुओं, विधानसभा वार बैठकों का सिलसिला 15 तारीख से ही शुरू हुआ है और अंतिम विधानसभा की बैठक इस समय हो रही है। लोकसभा उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है। आने वाले 11 मार्च को मतदान की तिथि भी नियत हो गई।
ऐसे में हम सभी कार्यकर्ता एक बार 7 तारीख को नेपाल क्लब में बैठे हुए थे और उसके बाद यह तय हुआ था कि सेक्टर वार एक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को लगाकर हम बूथों के सत्यापन का कार्य एक बार फिर से करेंगे। बूथ समिति जो सत्यापित जब हो जाएगी फिर आगे एक बार विधानसभा स्तर पर बैठेंगे। उसी के क्रम में आज ये बैठक हो रही है। बंधुओं, ये लोकसभा का उपचुनाव हम सबके लिए गर्व की बात है कि जो हमारे सांसद हुआ करते थे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास तो हो रहा लेकिन गोरखपुर का भी विकास कम नहीं हो रहा। हर तरफ विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो एम्स की स्थापना हो, फर्टिलाइजर का फिर से चलना हो और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी तमाम ऐसे कार्य हुए हैं। चंदा घाट का पुल, तरकुलानी रेगुलेटर, बाघागाड़ा नौसर कालेसर तक, स्ट्रीट लाइट आदि ऐसे कार्य हुए हैं जो आप हर जगह चर्चा कर सकते हैं। जो शहर का भाग है इस विधानसभा क्षेत्र का, इस भाग में भी बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं। पूरी सूची महानगर अध्यक्ष जी के पास है, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो विकास कार्य हुए हैं इन विकास कार्यों की चर्चा हम जब कहीं भी बैठे, चाहे चाय की दुकान हो या सेक्टर की बैठक में हो, बूथ पर जब चर्चा कर रहे हूँ, लेकिन इन विकास कार्यों की चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए। तो लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय वार्षिकोत्सव शनिवार को रंगारंग कार्यक्रम के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान छात्राओं ने विविध संस्कृतियों की झलक दिखाने वाले नृत्य, नाटक और गीत की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य, विशिष्ट अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के प्रोफेसर शैलजा सिंह, महाविद्यालय के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन, डॉक्टर चक्रपाणि पांडे, प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, डॉक्टर सुमन सिंह और डॉक्टर प्रियतोष मिश्र सहित विद्यालय के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में वर्ष भर संपन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं जीना नहीं चाहता। तुम मर जाना, तुझे रोका किसने? सही कहता है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, लेकिन मेरी ये मौत सिर्फ मेरी नहीं होगी, यहाँ पे बैठे सभी की आकांक्षाओं और सभी की आशाओं की मौत होगी।
विद्यार्थी आरक्षण का लाभ उठाते हैं। हर 5 में से 3 आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। किसी राज्य में 50% तो किसी राज्य में 70% का आरक्षण है। ये क्या हो रहा है? अरे इलेक्शन आ रहा है भाई, इलेक्शन आ रहा है। अरे ओ शर्मा जी, यूपी के चुनाव आ रहे हैं। जी सर, कुछ सोचा उचा है कि नहीं? लेकिन मुद्दा उठाइए। लेकिन सर, सारे मुद्दे तो पुराने हो गए हैं। अरे शर्मा जी, ये देश भी तो वही पुराना है। सही बात है। अरे आग वाग लगाने में, सोले ओले भड़काने में टाइम थोड़े ही लगता है। आग वाग लगाइए, सोले ओले भड़काइए, ये चुनाव हमें हर हाल में जीतना है। लो जी, लग गई आग। मंदिर में आग लग गई है, मस्जिद में दंगे भड़का दिए गए। अत्याचार, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अत्याचार, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चुनाव परिणाम, हमारे पप्पू भैया भारी मतों से विजयी हुए। पप्पू भैया, पप्पू भैया, के चुनाव से सब कुछ सीखे है कि नहीं? जी मैडम जी। अरे भाई, कोनो नया मुद्दा उद्दा तैयार करिए। मुद्दा मुद्दा तो रेडी है मैडम जी। अरे भाई, कोनो धार्मिक मुद्दा उठाइए। जी मैडम जी। काहे कि इलेक्शन हमको हर हाल में जीतेगा। जी मैडम जी। अरे लोगों, देखो ये क्या खा रहा है? ये तो पीर खा रहा है। भगवान कब तक यूं ही रोड पे पड़ी लकड़ियों को दिखाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन ऐसे 92 लड़कियां हैवानों द्वारा तोड़ दी जाती हैं। सन 2005 में 8,834 रेप केस दर्ज किए गए। हम आगे बढ़े। सन 2017 में ₹1,000 का पुरस्कार इनको प्रदान किया जा रहा है। ये स्वर्गीय राम अवतार टिबड़वाल स्वर्ण पदक एवं छात्रवृत्ति इनको दी जा रही है। ₹1,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 16-17 में एमए राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हमारी दिवंगत प्राचार्य छवि श्रीवास्तव। एनसीसी में सर्वोत्कृष्ट प्रदान प्रतिमा यादव बीए थर्ड ईयर से। इधर देखो, इधर महात्मा गांधी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन शनिवार को कॉलेज परिसर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली कॉलेज परिसर से निकलकर टाउन हॉल, कचहरी चौराहा, इंदिराबाल विहार, गणेश चौराहा, विजय चौराहा, अयोध्या दास तिराहा होते हुए वापस कॉलेज परिसर पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली के दौरान स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं ने बैनर और पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ना ना ना।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया। इंडिया वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया। जय जय जय। छोड़ो आप लोगों द्वारा ये जागरूकता अभियान है ताकि सभी से नर्जियन शहर के सभी संभ्रांत वोट दे, समाज में सक्रिय भागीता सहभागिता। ये रैली कहाँ जाएगी? ये रैली शहर से निकलते हुए विजय चौराहे होते हुए फिर यहीं पे रामनारायण गर्ल्स इंटर कॉलेज जहाँ हमारा विशेष शिविर लगा है वहाँ पे समाप्त हुई। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में निर्वाचन कार्य में तैनात कार्मिकों को मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट देना होगा। यह जानकारी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने देते हुए बताया कि सहायक प्रभारी पोस्टल बैलेट बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को प्रेषित पत्र में निर्देश दिया है कि 24 से 27 फरवरी को प्रथम चरण में एवं 5 से 9 मार्च को द्वितीय प्रशिक्षण में भाग ले रहे सभी कार्मिकों को फॉर्म 12 क एवं फॉर्म 12 घ उपलब्ध कराएंगे। सभी कार्यालय अध्यक्ष को उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रारूप 12 क उपलब्ध कराते हुए निर्वाचन ड्यूटी भी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए तीसरे दिन भी नालों की साफ सफाई का कार्य जारी रहा। शनिवार को नालों के आसपास के रहने वाले लोग ने निगम प्रशासन से नालों के साफ सफाई के लिए इस अभियान को सराहनीय बताया। बताते चले कि बरसात के दिनों में नाले का पानी ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास के मकानों में चला जाता है, जिसके वजह से सड़कों और मकानों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़कों पर जल जमाव के कारण विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बरसात के दिनों में इस तरह की समस्या आम हो जाती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय निवासी प्रदीप गुप्ता, राममिलन गुप्ता, अंगद कुमार ने बताया। सबसे बड़ी दिक्कत आपके पड़ोसी है। सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत हम लाला का फोटो निकल रहे हैं। Thank you.
नगर निगम द्वारा जो की जा रही है सर सफाई, उससे अच्छा सराहनीय काम है, परंतु इस नाले की सौंदर्यीकरण किया जाए और ऊंचाई किया जाए और नीचे से जो मिट्टी भरी हुई है उसको निकाल दिया जाए और सफाई नियंत्रण किया जाए, जिससे कि हम लोग को जल जमाव से बरसात में मुक्ति मिले। सफाई हो तो और बढ़िया रहेगा, पूरा नीचे कचरा जमा हुआ है, ईंट पत्थर सब फेंके हुए हैं, पूरा एकदम गंदगी एकदम हमेशा आती जाती है, इस रास्ते से आदमी रह नहीं पाते हैं, पूरा फटा हुआ नाला एकदम, पानी एकदम ऊपर आ गया है करीब 4 फुट ऊपर, इतना गंदगी नीचे पड़ा हुआ है, 2-3 साल से सफाई नहीं हो रही है, अगर यहाँ पर कूड़ा निकलता है तो नगर निगम वाले लोग यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं हमेशा, कहते हैं कि अभी हम उठवा लेंगे अभी उठवा लेंगे, और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, फैलते हैं, यहाँ पर 2 बच्चे मर भी चुके हैं इस बीमारी से, मतलब यहाँ गंदगी लेकर के लोग यहीं पर निकाल कर छोड़ देते हैं, डायरिया यहाँ पर फैल जाते हैं, उसके बाद दवा बांटा जाता है, दवा बांटने के बाद अपने लोग चले जाते हैं, और क्या सब है सर। नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा भी हम लोग 3 दिन पहले निरीक्षण किए, निरीक्षण के दौरान जो है ये गंदगी वगैरह थी, नगर आयुक्त से उनकी शिकायत की गई और नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया, कहा कि अभी तुरंत काम करवा रहे हैं, नगर आयुक्त को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस तरीके का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, अगर ये परमानेंट इसी तरह होता रहा तो यहाँ गंदगी की स्थिति नहीं रहेगी, और मेरा उनसे एक निवेदन है कि ये नाले का जो सिल्ट है वो सिल्ट निकाल दिया जाए और नाले का जो 2 फीट इसको डिवाइडर है उसको ऊंचा कर दिया जाए, क्योंकि ये जब बरसात का मौसम आता है तो ये 4-5 गलियाँ सटी हुई है और वो सटे होने के कारण रोड से वो जो है नाला एक बराबर हो जाता है, पता नहीं चलता है, कोई जानवर गिर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत दुर्घटना होती है, स्थानीय लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम नगर आयुक्त साहब को ये अवगत कराना चाहेंगे कि इसको जो है डिवाइडर भी थोड़ा इसके साथ ऊंचा हो जाए और सिल्ट इसका निकाल लिया जाए ताकि बरसात से इसकी निजात। शनिवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे लक्ष्य चैंपियनशिप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल मैच में BSNL की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम ने 173 रन का लक्ष्य रखा। आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए BSNL की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर इस मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। BSNL के KT साहू को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, उन्होंने 5 विकेट लिए। दूसरा सेमीफाइनल मैच सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान में लखनऊ और CAG के बीच खेला गया। CAG के कप्तान अभिनव बाली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लखनऊ की टीम सीमित ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। CAG की टीम ने 23 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और 9 विकेटों से ये जीत दर्ज हासिल कर ली। CAG कप्तान अभिनव बाली को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, उन्होंने 3 विकेट लेने के साथ 35 रन की भी अपनी अभूतपूर्व पारी खेली। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 18 फरवरी को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर BSNL और CAG के बीच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।
BSNL का स्कोर 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 3 विकेट के नुकसान पर। चलते चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर सुरीता करीम होंगी गोरखपुर से उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी, कहा जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित होगी फतेह। लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के पांचवें दिन नहीं हुआ कोई नामांकन, 13 लोगों ने लिया पर्चा। पुलिस ने नकल माफियाओं के खिलाफ कसी नकेल, प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक गिरफ्तार। लोकसभा संसदीय उपचुनाव के लिए मतदान पार्टी के कार्मिकों का 24 से 27 फरवरी को दीक्षा भवन में होगा प्रशिक्षण। सिंगल विंडो सिस्टम के कार्य करना किया प्रारंभ, अब तक 3 प्रकार की अनुमति। चोरी के बाइक के साथ 4 चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली को मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भाजपा ग्रामीण सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई संपन्न, उपचुनाव की सफलता पर बनाई गई रणनीति। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ संपन्न। महात्मा गांधी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। मतदान के दिन उपचुनाव में निर्वाचन कार्य में तैनात कार्मिक अपने बूथ या सन्निकट के बूथ पर कर सकेंगे मतदान। तीसरे दिन भी जारी रहा नालों की साफ सफाई का कार्य, आसपास के लोगों ने ली राहत की सांस। और बीएसएनएल ने लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी को 4 विकेट से और सीएजी की टीम ने लखनऊ को 9 विकेटों से पीटकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह की पक्की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। नमस्कार।